अब बात समझने की कोशिश करें। अब हम लोगों का यहाँ रहना मुमकिन नहीं है अम्मा। हारून कुछ कहे तो आप संभाल लीजिएगा, हमें जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन बेटा, जवान बेटी को लेकर तुम कहाँ जाओगी? अल्लाह मालिक है अम्मा। मैं अपनी स्टडीज के साथ साथ जॉब कर लूंगी, पर नोमी भी जॉब कर लेगा। जैसे तैसे दिन गुजार ही जाएंगे, और जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी तो मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। बस अब आप हमें यहाँ से जाने की इजाजत दे दें। इमन की इस तरह की बातें, तंजिया बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, हर बात पे जलील कर देती है। जी अम्मा, आप मेरी मजबूरी समझे अम्मा। नानी जान, हम आपसे मिलते रहेंगे आके। अम्मा, फरीन ठीक कह रही है। अच्छा, पर तुम लोग किसी किराए के घर में नहीं जाओगे। हारून का जो क्लेफ्टन वाला फ्लैट है वहां पर शिफ्ट हो जाओ। पर नानी जान, वो भी तो हारून भाई का ही फ्लैट है ना, और अगर ये बात ईमन को पता चल गई तो हमें वो वहां पे भी चैन नहीं लेने देगी, और फिर से वही इल्जाम लगाएगी। तो बेटा, उसको बताएगा कौन कि तुम लोग कहाँ पर रह रहे हो, या ये कि ये हारून की प्रॉपर्टी है? मैं मुनासिब वक्त देख के हारून से बात कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। तो नानी जाना, आप प्लीज ये बात जल्दी कर लीजिएगा, मुझसे और ईमन की इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं होती। हम आपको कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, पर ईमन ने हमें मजबूर कर दिया कदम उठाने के लिए।